बहुत ही ज़्यादा खुश है इसके अंदर, इनको मैं बाहर निकालती हूँ, बाहर आती हूँ दोबारा अंदर चली जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपको इस एरियल के डब्बे के साथ कैट हाउस बनाना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ये देखिए मेरे पास एक डब्बा पड़ा है और ये इस्तेमाल नहीं होता, पहले तो मैं इसको इस्तेमाल करती रही बुक्स के लिए, लेकिन अब ये फालतू पड़ा हुआ है, तो हम इसके लिए कैट हाउस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डब्बे को, ये तो वैसे साफ़ ही है लेकिन इसको काटेंगे सबसे पहले हम। ये देखें दोस्तों, ये हमने इसके अंदर एक तरफ सारा शीट लगा दिए, तो अब हमने इसको बाहर की तरफ भी हमने दिए, मैंने पेपर्स के लगाए, अब यहाँ ऊपर की तरफ हम इसके शीट लगाएंगे और इसके अंदर मैट्रेस बिछाएंगे। ये देखें दोस्तों, अभी क्या ये हाउस तैयार नहीं हुआ, तो ये मेरी बिल्लियाँ पहले ही खुश हो गई हैं इसको देख के। अब इसके अंदर की तरफ हमने शीट लगा लिया, साइडों पर भी लगा लिया, अब इसको ऊपर की तरफ शीट लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर मैट्रेस बिछाएंगे। इसके साथ मैंने ये नोट्स लगा दूँ जिनके साथ ये खेलेंगे। दोस्तों हमने इसके ऊपर की तरफ भी कागज़ लगा लिए, और अब ये मेरे पास फोम का पुराना टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब ये मैंने पुराना सा कपड़ा इसके ऊपर समद बांध के साथ चिपका दूँगी। अभी ये घर तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुनिया जो ना ये पहले ही इसके साथ खेलने लग गई है। इसको ऐसे रख के इस पर समद बांध लगा देंगे, फिर इसके ऊपर नया कपड़ा लगा देंगे। ये देखें, ये अभी तैयार नहीं हुआ तो ये पहले से इसके साथ खेलने लग गई है। दोस्तों ये इसके ऊपर हमने पुराना कवर चढ़ा लिया, अभी हम इसके ऊपर एक नया कवर चढ़ाएंगे। यह समझ ब्राउन के साथ मैंने इसको छिपका दिया, उसके ऊपर मैं आप चढ़ाऊँगी। ये देखें दोस्तों, ये मैट्रेस तैयार हो गया, ये हम इसके अंदर रखेंगे ऐसे। ये नरम सा हो गया, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये मेरे पास कुछ फूल पड़े हैं, मैं इनको पहले फिक्स कर लूँ समझ ब्राउन के साथ, समझ ब्राउन के साथ इनको। तो ये सारे फूल इसके साथ मैंने ये लोहे की वायर के साथ मैंने समद बांध के साथ चिपका लिया, अब हमें अच्छा उसके ऊपर लगाएंगे। ये लग के ये देखिए लग गए हैं, अब हम इसको यहाँ पे स्कॉच टेप, वैसे तो ये टाइट है लेकिन हम इसको स्कॉच टेप के साथ फिक्स कर लेंगे किनारों से, ताकि ये जो ये तार है ये बिल्लियों को ना चुभे। ये देखें दोस्तों, ये कैट हाउस बन गया, कितना खूबसूरत है। ये मेरे दो कैट्स इसके अंदर आराम से सो गई हैं और ये खेलेंगे भी, ये ऊपर से कितना खूबसूरत है ये। आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।